हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 7 के भूगोल का पाठ 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव का प्रश्न उत्तर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें क है, वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर होगा, वनस्पतियों का विकास तापमान एवं नमी जैसे दो कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख, प्राकृतिक वनस्पतियों की तीन मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? तो उत्तर हम राइट करेंगे, प्राकृतिक वनस्पति की तीन मुख्य श्रेणियां हैं, पहला जंगल, दूसरा घास स्थल, तीसरा कांटेदार झाड़ियां। तो ये तीन उसके मुख्य श्रेणियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़ काष्ट वाले पेड़ों के नाम बताइए। तो उत्तर राइट करेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़ काष्ट वाले पेड़ों के नाम, पहला रोजवुड आप राइट कर लीजिएगा और दूसरा जो है आबनूस। तो यहाँ पर नंबरिंग करके आप राइट करिएगा 1 और 2। ठीक है, अगला देखते हैं, वनस्पति के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो उत्तर राइट करेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक, तो आपको ये आंसर राइट करना है। अगला क्वेश्चन है, नींबू वंश सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? तो इसका उत्तर राइट करेंगे, नींबू वंश फलों की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ की जलवायु की स्थिति गर्म, शुष्क, ग्रीष्मकाल और हल्की बारिश वाली सर्दियाँ होती हैं। तो ऐसे स्थानों पे हम नींबू वंश यानी सिट्रस फलों को उगाते हैं। अगला प्रश्न है, शंकुधारी वन के कोई चार उपयोग बताइए। तो चार उपयोग ये हैं, पहला उपयोग हम राइट करेंगे, अखबारी कागज के लिए लुगदी बनाना में इसका इस्तेमाल करते हैं, नरम कास्ट से माचिस बनाने में इस्तेमाल करते हैं, पैकेजिंग के लिए बक्सा बनाने में यूज करते हैं और घरेलू ईंधन के लिए इन लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज, विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? तो उत्तर राइट करेंगे, मौसमी घास का मैदान हल्के अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। ठीक है, इसे आप राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो आपको यहाँ पे तीन विकल्प देखने को मिलेंगे जिसमें से एक कोई विकल्प सही है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति में, जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है, टुंड्रा वनस्पति में। अगला क्वेश्चन है, ख, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। तो कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? तो सही उत्तर होगा, गर्म एवं शुष्क राजस्थानी जलवायु में। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, बाकी ये पहला जो तीसरा ऑप्शन है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार बने का एक सामान्य जानवर। तो इसका सही उत्तर है बंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शंकुधारी वन की महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति, तो इन तीनों में से जो है सेकेंड ऑप्शन सही है, चीड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। तो कहाँ पाया जाता है? मध्य एशिया में पाया जाता है, ये ऑप्शन तीसरा सही है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो ये मैच द कॉलम दिया है जिसमें मिलाना है। पहला है वालरस, तो वालरस को मिलाएंगे एक ध्रुवीय जानवर से। ठीक है, दूसरा है देवदार का वृक्ष, इसको मिलाएंगे नरम काष्ट पेड़। ठीक है, अगला है ग, जैतून, जैतून को मिलाएंगे एक नूबी वंश का फल है। ठीक है, हाथी, हाथी को मिलाएंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है। ठीक है, कंपोज को मिलाएंगे ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ठीक है, डाउन को मिलाएंगे अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल। तो इस तरह ये मैच द कॉलम हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, कारण बताइए। जैसे पहला क्वेश्चन है, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर एवं प्लाज्मा मोटी होती है। तो क्यों मोटी होती है? इसका रीज़न ये है कि ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो कि उन्हें काफ़ी ठंडी जलवायु से सुरक्षित रख सकते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ठंडा जलवायु होता है जिसको जिससे बचने के लिए उनकी जो है चमड़ियाँ मोटी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसका रीज़न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं।
इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो अपना पत्ती इसलिए गिराते हैं क्योंकि वो पानी को संरक्षित यानी बचा कर रखना चाहते हैं। अगर उनका पत्ती ज़्यादा होगा तो उसमें वाष्पोत्सर्जन होता है, जो ट्रांसपिरेशन इंग्लिश में कहते हैं, तो उसमें ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा जिसके वजह से पानी का लॉस ज़्यादा होगा, तो उसको बचाने के लिए अपनी पत्तियाँ को गिरा देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ग, वनस्पति के प्रकार एवं सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है, तो इसका कारण बताना है। तो कारण ये है कि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पतियों में भी बदलाव आता है। जलवायु में निम्न परिवर्तन के कारण वनस्पतियों के प्रकार और सघनता में बदलाव आते हैं। तो क्या क्या कारण है? पहला कारण है विभिन्न स्थानों के तापमान में अंतर के कारण। ठीक है, दूसरा कारण है विभिन्न स्थान के वर्षा में भिन्नता के कारण। और लास्ट तीसरा कारण है भूमि की ढाल एवं मृदा की पूरत की मोटाई में भिन्नता के कारण। ठीक है, तो ये तीनों कारण आप राइट कर सकते हैं। तो इस तरह हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए। इसके आगे वाले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर कुछ पूछना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए।